और अभी यहाँ से भी 1 घंटा लगेगा, तो समझ लो आप शिवपुरी से ग्वालियर और ग्वालियर से शिवपुरी। मैं हूँ नैन्सी, मैं बैंगलोर में रहती हूँ और इस चैनल पर मैं अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करती हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं आइकिया बैंगलोर, और जो बैंगलोर में है वो लोग तो सभी लोग मतलब लॉट में भर के जा रहे हैं, मतलब वीकेंड्स पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर, इसीलिए हम लोग आज फ्राइडे को वहाँ जा रहे हैं। और सुबह हम लोग 9 बजे बिल्कुल टिप टॉप तैयार हो गए थे, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे 1 घंटे तक तो हमें ऑटो कैब कुछ नहीं मिला। फिर हम अपनी स्कूटी लेके निकले और फिर वहाँ पे हमने कहीं रास्ते में पार्क करके फिर ऑटो लिया। ऑटो से आए हैं बाय पन्नाहली मेट्रो स्टेशन, बाय पन्नाहली ना, तो बाय पन्नाहली मेट्रो स्टेशन से अब हम नागासंद्रा मेट्रो स्टेशन जाएंगे जो कि डायरेक्टली हमको आइकिया पे ड्रॉप करेगा। तो टोटल अभी हमको अपने घर से आइकिया तक जाने में, हमारा घर है ईस्ट बैंगलोर में, तो हम लोग 9 बजे स्टार्ट हुए थे, अभी 11 बज रहे हैं और अभी यहाँ से भी 1 घंटा लगेगा, तो समझ लो आप शिवपुरी से ग्वालियर और ग्वालियर से शिवपुरी आ जा सकते हो, उससे भी ज़्यादा टाइम लग रहा है आइकिया पहुँचने में। कितने का टिकट लिया? 116 में 2 टिकट। 116 तो हम लोग आ गए हैं मैजेस्टिक स्टेशन और अब हम लोग को नागसंद्रा के लिए दूसरी मेट्रो लेनी होगी यहाँ से। तो हम लोग यहाँ पर नागसंद्रा मेट्रो स्टेशन पर आ गए हैं और मेट्रो स्टेशन के जस्ट बगल में ही है आइकिया, मतलब आप उतरोगे और आपको आइकिया दिख जाएगा। तो ये है आइकिया की आई थिंक पार्किंग, और अभी देखते हैं अंदर कैसे जाना है। आज फ्राइडे का दिन है तो थोड़ा कम भी क्राउडेड होगा और अच्छे से सारी चीज़ें देख पाएंगे, नहीं तो मैंने सुना है कि सैटरडे संडे आइकिया 10 बजे खुलता है और 10 बजे के पहले से ही लोग यहाँ पर लाइन लगा के बाहर खड़े हो जाते हैं, बट आज ऐसा नहीं हुआ है, काफ़ी कम भीड़ है। तो मेट्रो से उतरने के बाद आपको राइट साइड जाना है, यहाँ पे जो पीछे रास्ता था ना पार्किंग से, वहाँ से नहीं जाना है। अब हैदराबाद जाने की जरूरत नहीं है, पहले हम लोग पता हैदराबाद जब गए थे तब हम लोग पागल हो गए थे देख के इतना सारा सामान, लेकिन यहाँ तक आते आते ना हालत खराब हो गई, लेकिन अच्छा लग रहा है अब यहीं पर है, कितना भी शॉपिंग कर सकते हो। आइकिया मैंने ये सेकेंड टाइम विजिट किया था, फर्स्ट टाइम मैंने आइकिया हैदराबाद में विजिट किया था तो मुझे ऑलरेडी काफ़ी सारा आइडिया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी प्लानिंग पहले से कर ली थी कि मुझे क्या क्या परचेज करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ता है और बहुत कुछ है देखने के लिए, आप एक बार में हर एक चीज़ तो बिल्कुल नहीं देख सकते। मेन सेक्शन में ऊपर की तरफ एंटर करने के पहले यहाँ पर एक ये किड्स प्ले एरिया काइंड ऑफ है, वर्ल्ड में आप किसी भी आइकिया में चले जाएँ ऑलमोस्ट जो डिज़ाइन है वो यही रहता है। तो एंटर करते से ही यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस हैं, यहाँ पर ये जो फेक लैपटॉप है ना ये ऐसा लग रहा था बिल्कुल रियल हो, और ये जो है बिल्कुल एकदम पुराना जो मैकबुक एयर का मॉडल आता था बिल्कुल वैसा लग रहा है। यहाँ पर एक ये मैप मिलता है, इसमें सारे सेक्शंस मेंशन होते हैं। ये डिजिटल पेंटिंग मुझे काफी अच्छी लगी, पर ये सेल ही नहीं होती आइकिया में। ये जो ब्लैक कलर का सिरेमिक सेट है बाथरूम का, ये मैंने काफ़ी पहले होम सेंटर से परचेस किया था और मैंने अपने होम सेंटर हॉल में भी दिखाया था, बहुत एलिगेंट लगता है ये। तो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर की वॉल्स और लाइट्स और जो एंटायर सेटअप है ना बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही कोजी सी फील दे रहा था। यदि आपको अपने घर के लिए या फिर एक रेंटेड अपार्टमेंट के लिए भी कर्टन्स परचेस करने हैं देन आइकिया इज द प्लेस यू शुड डेफिनेटली चेक आउट, दे आर वेरी वेल प्राइस्ड एंड द फैब्रिक क्वालिटी इज ऑल्सो क्वाइट गुड। माई नेक्स्ट फेवरेट थिंग इन आइकिया आर देयर सुपर कम्फर्टेबल सोफाज। अब हम लोगों को ना थोड़ा रिग्रेट होता है कि काश हम लोगों ने अपने घर का सोफा ना यहाँ से लिया होता, क्योंकि यहाँ के सोफे ना ज्यादा कम्फर्टेबल है। ना बहुत सारी चीजें परचेस करनी है, अभी एक पूरा राउंड लेंगे और सब कुछ तो लेकर नहीं जा सकते हैं, तो हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे, जो जो पसंद आ रहा है वो बस एक बार अच्छे से देख रहे हैं। बैग जैसा एयर प्यूरिफायर है। हमने अपनी सोसाइटी में ना बहुत सारे लोगों के घर में ये बालकनी फर्नीचर देखा हुआ था आइकिया का, बट रियलिटी में मुझे टेबल थोड़ा सा अनस्टेबल लगा। फाइनली हमें एक कॉफी टेबल पसंद आई, पर घर जाकर जब वेबसाइट पर देखा सो इट वाज नॉट अवेलेबल ओवर देयर, देन आई टॉक टू आईकिया रिप्रेजेंटेटिव सो दे टोल्ड मी दैट दिस प्रोडक्ट माइट नॉट बी अवेलेबल ऑनलाइन बट कैन बी अवेलेबल इन द स्टोर। मुझे
कि आइकिया के जो इंडक्शन है ना, ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने इनको यूज नहीं किया है, बट ये बहुत ही छोटे से हैं, क्यूट से हैं, कहीं पर भी हैंग कर दो एंड वेरी मच ट्रैवल फ्रेंडली। आफ्टर किड सेक्शन द नेक्स्ट सेक्शन इज फूड कोर्ट। डाइनिंग एक्सपीरियंस इन आइकिया इज वेरी वेरी डिफरेंट। यू कैनॉट कैरी योर शॉपिंग बास्केट्स और ट्रॉली इनटू दिस एरिया। देयर इज अ डेजिग्नेटेड स्पेस फॉर दैट व्हिच इज नेक्स्ट टू डाइनिंग एरिया इटसेल्फ। एंड व्हाइल पार्किंग द ट्रॉलीज, मेक श्योर यू टेक आउट योर पर्सनल बिलोंगिंग्स। इवन ऑन वीकडे इट वॉज वेरी मच क्राउडेड। वी हैड टू स्टैंड फॉर अराउंड लाइक 15 मिनट्स इन द लॉन्ग क्यू। टू परचेज फूड वी हैव टू पिक अ ट्रॉली एंड देन वी हैव टू पिक वॉट एवर वी वॉन्ट, ऑल द आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट काउंटर्स। Highly recommend to bring your own water bottles. One single bottle was priced for ₹60. On checking with staff, they told us that there is no way to refill your bottles or there is no free water, drinking water at all. But when we checked by ourselves, we found out there is a section next to the restroom from where you can definitely refill your bottles. After picking up the food, you have to make the payment and then you have to find the place for yourself to sit. And during weekends, there are high chances that you might not get the place itself. On every single बिल दे वर ऑल्सो प्रोवाइडिंग वन फ्री आइसक्रीम। यहाँ पर आप अपने घर से भी खाना लेकर आ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो यहाँ पर हमने दाल मखनी ली थी, पनीर बटर मसाला लिया था, बेसिकली कॉम्बो आता है जिसमें राइस भी साथ में आता है। वी ऑल्सो पिक्ड अप पोटैटो वेजेस और डिजर्ट में था मैंगो एंड चॉकलेट केक। एंड फॉर दिस एंटायर फूड अलॉन्ग विद द वाटर बॉटल वी पेड समवेयर बिटवीन 700 to 800 rupees। टॉकिंग अबाउट द टेस्ट, आई लाइक दाल मखनी ओवर पनीर बटर मसाला। क्वालिटी एज वेल एज क्वान्टिटी ऑफ द फूड इज क्वाइट गुड एज पर द price. Potato wedges were yum and crispy and both the cakes were like very fresh and tasty, but I like mango cake over chocolate cake. After having lunch, we again resumed with the shopping. So, इसके पहले के जो ज्यादातर section थे वहाँ पर usually product experience करने के लिए रखे हुए थे और pick उनको कहीं और से करना था, just product ID उनकी note करनी थी। और cafeteria के आगे जो sections हैं वहाँ पर ज्यादातर वो sections हैं जहाँ से आप product को pick कर सकते हो वहीं से। I did checked out lot of carpets over here and I also liked few of them, but they were out of my budget. I'm looking for a carpet which is very easy to maintain and they should be aesthetically beautiful and also the quality should be such that it should last at least for a couple of years. Now if you have any suggestion for me within Bangalore or online, please do let me know in the comment section. Last time when I visited IKEA Hyderabad, due to lack of time, I could not explore their lights and lamps section. But this time, I literally explored everything in very much detail. What I feel is the collection is just amazing considering the price. We did shortlisted few lights and few of them we purchased as well. लाइट सेक्शन के बाद था होम डेकोर सेक्शन और यहाँ पर थी बहुत सारी कैंडल्स, काफी सारे होम डेकोर आइटम्स और साथ में थे यहाँ पर काफी सारे लैंटर्न्स अलग अलग टाइप के, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल लग रहे थे मुझे दिवाली पॉइंट ऑफ व्यू से। Apart from all sorts of home decor items, यहाँ पर real plants भी थे, छोटी सी nursery kind of थी and price wise also they are pretty good. लास्ट में के बड़ा सा गोडाउन सेक्शन काइंड ऑफ था। यहाँ से बेसिकली आपको चीजें पिक करनी होती है, बड़ी बड़ी चीजें, एग्जांपल आपकी डाइनिंग टेबल हो गई या कोई भी चीज जिसे आप घर जाकर असेंबल करेंगे। यहाँ पर चीजें काफी ऊंचाई पर रखी हुई थी और आइकिया के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे वहाँ पर हेल्प करने के लिए, बट आई डोंट पर्सनली हैव अ वेरी क्लियर आइडिया लाइक हाउ टू परचेज ऑल दीज बिग प्रोडक्ट्स ऑफलाइन फ्रॉम स्टोर। बस इतना ही समझ में आया कि जो भी सैंपल्स लगे हुए थे वहाँ पर, जो फर्नीचर था उस पर जो नंबर था, दैट आई शुड क्लिक, आई शुड नोट डाउन समवेयर। वन थिंग आई नोटिस अबाउट आइकिया बैंगलोर इज बहुत सारी चीजें यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक थी। देयरफॉर आई वुड हाईली सजेस्ट कि यदि आपने पहले से ही आइकिया की वेबसाइट पर कुछ चीजें शॉर्टलिस्ट की हुई हैं, तो आप उन प्रोडक्ट्स का जो स्टॉक है वो भी वेबसाइट पर चेक कर ले। अनदर थिंग इज कि आइकिया में बहुत सारी चीजें जो है वो बॉक्स में आती ही नहीं है, स्पेशली जैसे क्रॉकरी या फिर ग्लासवेयर हो गया, किचन रिलेटेड कोई भी ग्लास का आइटम हो गया। आइकिया हैदराबाद में पैकिंग करने के लिए कुछ ओल्ड न्यूज पेपर रखे होते हैं और सेलो टेप होता है, तो आप उनको यूज कर सकते
सकते हो पैक करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। बट आईकिया बैंगलोर में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। इनफैक्ट पीपल वर जस्ट रोमिंग हियर एंड देयर एंड आस्किंग फॉर एम्प्टी बॉक्सेस। सो फॉर ऑल सच ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स आई विल सजेस्ट यू टू ऑर्डर देम ऑनलाइन। इन दैट केस आईकिया विल बी लायबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन एंड यू नो डिलीवरिंग टू यू सिक्योरली एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। ओवरऑल आईकिया बैंगलोर का एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा था, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी इसकी लोकेशन है नागासंद्रा वो काफी ज्यादा दूर है मेन सिटी से। तो फर्स्ट टाइम तो हम लोग एक्साइटमेंट में आ गए, बट इफ यू हैव टू प्लान फॉर द सेकंड टाइम आई विल डेफिनेटली थिंक ट्वाइस यू नो बिफोर ट्रैवलिंग दिस मच। एंड द बेस्ट ट्रिक टू अवॉइड क्राउड इज टू कम ओवर वीकडेज इंस्टेड ऑफ वीकेंड। एंड द बेस्ट वे टू रीच आईकिया इज वाया मेट्रो, एंड टेकिंग ऑटो और कैब वुड बी वेरी एक्सपेंसिव इफ यू आर टेकिंग फ्रॉम द मेन सिटी। सो गोइंग बाय मेट्रो विल नॉट जस्ट सेव योर मनी, इट विल ऑल्सो सेव योर टाइम। सो या वी डिड सम शॉपिंग एंड आफ्टर दैट वी यूटिलाइज आर फ्री आइसक्रीम कूपन एंड पिक्ड आर आइसक्रीम फ्रॉम हियर एंड देन लेफ्ट फॉर होम।